नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की दरअसल कर्नाटक चुनाव को लेकर है। कर्नाटक चुनाव में आधी रात को बीजेपी ने मीटिंग बुलाई, और क्यों बुलाई जरा समझ लीजिए बारीक से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए शनिवार यानी 8 अप्रैल को फिर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। इसके पहले शुक्रवार देर रात करीब 3 घंटे तक पार्टी के थिंक टैंक ने टिकट बंटवारे पर मंथन किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा में देरी पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। आपको बता दें, शुक्रवार देर रात दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक में कर्नाटक में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तो हुई, लेकिन लिस्ट फाइल करने के लिए आज एक और बैठक करने का फैसला हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा में देरी पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने इसकी अलग ही कहानी बताई है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी मतलब भगदड़ पार्टी है। मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनके मंत्री भी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सब अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं, बीजेपी में भगदड़ मच गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को वोटिंग है और 13 मई को नतीजों का ऐलान होगा। अडानी विवाद और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद यह पहला चुनाव है बीजेपी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस अब तक 166 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट का अब भी इंतजार है। अब देखना पड़ेगा आने वाले वक्त में क्या होता है, और क्या वाकई में कर्नाटक में बीजेपी फतेह पाएगी या कांग्रेस बाजी मार जाएगी। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन आई न्यूज़।